मुरादाबाद महानगर के कटघर थाना क्षेत्र के होलिका मैदान स्थित फूलवती कन्या इंटर का भवन पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में है। आलम यह है कि छात्राएं इस जर्जर विद्यालय में पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय की स्थिति तब ज्यादा खराब हो जाती है जब बारिश का मौसम होता है। बारिश में स्कूल की छत टपकने लगती है जिससे पढ़ने वाली छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं विद्यालय भवन इतना जर्जर हो गया है कि भवन की दीवारों से दरारें पड़ गई हैं। छत का लिंटर कमजोर हो चुका है, बावजूद इसके विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहाल डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं, जिसके चलते विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को जर्जर भवन में पठन पाठन करना पड़ता है। विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई करते समय काफी डर लगता है, मन में यही डर रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। बेटा होगा कनिष्का, कहाँ पढ़ती हैं? फूलवती कन्या। अच्छा, आपके क्लास में पानी टपकता है क्या? हाँ। जब बारिश होती है तो? यस। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होती है? हमें सीट पे बैठने की दिक्कत होती है। अच्छा। कितने साल से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे 3 साल से पढ़ रहे हैं। कौन सी कक्षा में आप? 6th। तानिया, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? फूलवती। कौन सी कक्षा की छात्रा हैं? 7th। आपके यहाँ क्लास में पानी टपकता है क्या जब बारिश होती है? हाँ, टपकता। क्या प्रॉब्लम होती है जब पानी टपकता है तो क्लास में? पानी भर जाता है यहाँ पे और होती है। फूलवती कन्या इंटर कॉलेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्य मीनाक्षी ने बताया कि विद्यालय तो 60 साल पुराना है, अब विद्यालय की हालत बहुत जर्जर है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश के चलते विद्यालय में बच्चे कम आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा विभाग चाहे तो विद्यालय का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, उसे डिग्री कॉलेज में तब्दील कर सकता है। स्कूल तो लगभग 60 साल से ऊपर है, पुराना हो चुका है। बारिश में अब ये सारी छतें बिल्कुल बेकार हो गई हैं, सब जगह पानी आ रहा है, टपक रहा है। भवन भी कुछ जर्जर हालत में? भवन तो पूरी तरह से जर्जर हालत में हो चुका है। बच्चे कितने पढ़ते हैं आपके वहाँ? बच्चे लगभग प्राइमरी से लेकर इंटर सेक्शन तक 500 बच्चे हैं। अच्छा, जिस दिन वर्षा ज़्यादा हो जाती है उस दिन आपको छुट्टी करना पड़ती है या फिर कैसे मैनेज करते हैं स्कूल? वर्षा होती है तो बच्चे स्वयं ही नहीं आते, कि बच्चों को मालूम है कि पानी भर जाएगा, सड़कों पर भी पानी होता है, क्लासों में भी पानी होता है, इसलिए बच्चे भी कम आते हैं। तो जो कम बच्चे आते हैं उन्हें हम एडजस्ट उस कमरों में कर लेते हैं जहाँ पानी नहीं है। शिक्षा विभाग से क्या चाहते हैं आप? शिक्षा विभाग से हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने और हमारे विद्यालय को एक अच्छा विद्यालय बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस भी इतना है कि शायद डिग्री कॉलेज भी बन सकता है। अगर शिक्षा विभाग चाहे तो हमारा विद्यालय हो सकता है। और साथ साथ हमारे विद्यालय में अध्यापिकाओं की बहुत अधिक कमी है। जो मुख्य विषय हैं गृह विज्ञान, गणित जैसे विषय की अध्यापिका नहीं है, गणित की एक अध्यापिका थी जो स्थानांतरण करा के चली गई है, तो इस समय मुख्य विषय गणित जैसे विषय की भी अध्यापिका नहीं है। मतलब माना जाए कि जिस दिन वर्षा ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा, तो यहाँ दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्कुल। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने कहा कि विद्यालय में अगर स्थिति खराब है तो हम उन बच्चों को सही जगह शिफ्ट कराएंगे और विद्यालय में जो भी समस्या है उसका जल्द निदान होगा, उसकी जांच करवाएंगे। और यदि कमरे जर्जर होंगे तो जिन कमरों में पढ़ाई योग्य वातावरण नहीं होगा, पढ़ने योग्य कमरे नहीं हैं, कभी भी कोई हादसा होने की अगर संभावना वहाँ बनती है तो उन कमरों में पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, उन बच्चों को अन्य कमरों में शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, वो है, उसमें 75 साल से ज़्यादा जिन विद्यालयों की मान्यता प्राप्त हुए हो गया है या उससे कम भी अगर है तो उसमें 75% धनराशि शासन देगी, 25% धनराशि विद्यालय प्रबंध तंत्र देगा। लेकिन इसके लिए प्रबंध तंत्र को अपना प्रस्ताव और सहमति देनी पड़ेगी कि हम 25% धनराशि व्यय करने के लिए तैयार हैं, हमें 75% शासन से धनराशि दिलवाई जाए। अगर कोई विद्यालय इस तरह का प्रस्ताव लाएगा तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे, उस पर आगे कार्रवाई।